नमस्कार दर्शक बंधु, शास्त्र अनुजाई स्त्री पाई स्वामी भगवान सदृश होइथाए। स्वामी स्त्री संपर्क निबिड़ होइथाए, उभय उभयंकर बेस जत्न मध्य नेइथांती। तेणु खुशी रे स्वामी स्त्री एकाठी गुटिए थाली रे खाइबा मध्य खाइथांती। शास्त्र रे अनेक किछि कथार नियम रहिछि। जदि स्त्री माने स्वामी सह भोजन करुछंती तेबे शास्त्र अनुजाई एहा सह जड़ित थिबा नियम संपर्क रे आपण जानिबा निहाति आवश्यक। तेणु आज आम आपण मानंकु जणाइबा पई जाउछु स्वामींक सह भोजन करिवार सठिक समय संपर्क रे। भोजन करिबा आगरु प्रथमे पाद हात एवं मुख को भल भाव धोई भोजन करिबा उचित। सबु भोकिला प्राणी को भोजन मिलु बोली प्रार्थना करी भोजन आरंभ करिबा उचित। रुषे करुथिबा महिला शुद्ध भाव रे रुषे करिबा आवश्यक। रुटी करिबा समय रे प्रथमे तीनोटी रुटी कुकुर काउ एवं गाय पई रखि देबा उचित। एहा परे आपण अग्निदेव को भोग लगाई घर लोक को खाइबा को देबा उचित। सबुबेले चेष्टा करंतु परिवारर समस्त सदस्य मिसी भोजन करिबा पई। नियम अनुजाई परिवार लोके अलगा अलगा भोजन करिबा द्वारा परिवारर सदस्य को मध्यरे भल पाइबा एवं एकता रही न थाए। जो व्यक्ति गुटिए थर भोजन करे तांकु जोकी कहा जाए। जो व्यक्ति दुई थर भोजन करे तांकु भोगी बोली कहा जाए। पूर्व एवं उत्तर दिग आड़कु मुख करी भोजन करिबा उचित। दक्षिण दिग को मुख करी भोजन करिबा द्वारा ताहा प्रेत को प्राप्त होइथाए। पश्चिम दिग आड़कु मुह करी भोजन करिबा द्वारा रोग सृष्टि होइथाए। भीष्म पितामहंक अनुजाई स्वामी स्त्री को गुटिए थाली रे भोजन करिबा निषेध अटे। स्वामी स्त्री गुटिए थाली रे भोजन करिबा द्वारा सेही थाली मादक पदार्थ रे भरी जाए। स्वामी खाई सारिबा परे स्त्री को खाइबा उचित। जदि आपण एही नियम पालन करंती तेबे आपणक घरे सुख समृद्धि बढ़ी जाए। स्वामी स्त्री को मध्यरे भल संपर्क रही थाए। हाँ दर्शक बंधु, एही नियम पालन कले देखिबे स्वामी स्त्री को मध्यरे संपर्क भल संपर्क होई थाए। एही भिडियोटी देखि आपण मानको केमिति लागिला कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे। आ भल लागुथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करबाकू जमारु भूलंतु नाही। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।